आज शुणा विशिष्ट प्राबंधिक उदयनाथ सड़ंगी एक अति परिचित रचना रोगी सेवा। गाँ चाटशाला छात्र सान पिला तेणु राति बापा पाखे शोली चाटशाला आसी देखली बापा दांडपिंडार तले शोई पादरू रक्त बोही जाउछि। माटीपिंडा रक्त कादुओ भली होई गलानी। बो घर भितर भाईना दुहे बोधुए नहांती बहिशिलाट सेठी रखिदी पाद पाखे बस पड़िली। रक्त देखि देह झिमझिम होई गलानी तथापि कांधर थिपा गामुछा चौताई गोड़रे भिड़ी बांधी देली। गामुछा रक्त होई गला। अल्प समय पर देखली रक्त बोहिबा बंद होई गलानी। घर भितरू बो बाहरी आसी अवस्था देखला उभय धराधरी करी तांकु नहीं घर भितर शुआई देलु। बापा बाड़ी भितर कौन काम करुले गोटाए भंगा काच पादरे पसी जाई ए दशा घटी अछि। डाक्तरखाना दूर रे ग्रामर कौन सी लोक डाक्तरखाना सहित सेते परिचित नुहंती। समस्तंकर धारणा केवल कटाकटी करवा ही डाक्तर मानकर काम। कौन सी प्रकार रोग वैराग हेले केही डाक्तर ना धरती ना। गाँव में जड़े वैद्य थांती ज्वर काश झाड़ा प्रभृति रोग पाई औषध दियंती। अधिकांश समय तांको दुआरे भीड़ा जमी थाए। क्यों रोग पाई केजाणी समय समय पिला मानकर पिठी पाख बेकरे से चड़ू दियंती। गोटाए लुहा तताई मारी दियंती। घा हुए ता सुखीबा को केते दिन लागी जाए। सेथिपाई पिलाए तांको देखले डरती पाखक जीवाकू साहस करती नहीं। भाईना नहांती बापांकर दशा एपरी बाध्य होई वैद्यंक घर को गली। बापांक कथा सुनी वैद्य संगे संगे आसिले। गुड़िए कौन पतर छेची कटा घारे पुराई देई आउ खंडे कनारे जोर रे भिड़ी बांधी देले। रातिरे सोईची उह आह शब्द सुनी उठी बसिली। देखली बापा से गोड़ को आउंसुछंती। मुह विकृतिर जंत्रणा जे बेसी होउची ताहा जानि पारली। पाद पाखरे बसी पाद आउंसिली बोधुए टिके आराम लागिला। से घुंगुड़ी मारले। मु सेहीपरि बसी रही पाद पाखरे हाथ बुलाउथाए। पाहंता पहर को निद भांगीगला। देखिले राति जाक बसी रही पाद आउसी देउछि। कोल पाखकू टाणी नेले। मुंड ओ पिठिरे हाथ बुलाई आदर करी कहिले जा सोई पड़। परदिन दूररे थाई सुनिली बो को कहउछंती पिलाटा काली रातिरे जम्मा सोई नाही। खुशी लागिला। प्रतिदिन वैद्यंक ठारू औषध आनी लगाई दिए जत्नरे कना बांधे। देखिली वैद्य कोण दुबघास किछि छिड़ाई आनी ताकू छेची गोटे पत्र पुड़िया मो हाथ देउछंती। परदिन आउ वैद्यंक पाखकू गली नाही। बाड़ी भितर दुबघास आनी भल रूपे छेची घारे बांधी देली। प्राय 15 दिन पर घा सुखीगला। पर श्रेणी रे पाठ्य स्वास्थ्य रक्षा बहिरे पढ़ी कटा घारे दुब छेची किंबा पाटी चोबाई लगाई देले रक्त बोहिबा संगे संगे बंद होई जिवो। घा मध्य शीघ्र सुखी जिवो। 15 दिन पर पादर घा भल हला किंतु मोर गोड़ आउंसी देवार अभ्यास रहीगला। प्रतिदिन किछि समय बापांकर गोड़ पिठी अंटा चिपी देला परे मु सोई पड़े। घरे रहितबा पर्यंत यह मोर दैनंदिन कर्तव्य परिणत हो जाइथिला। वार्षिक परीक्षा पाई राति अनिद्रा होई पढ़ापढ़ी कला बेले अंततः घंटाए समय एथिरे जाउथिला। तांकर बारंबार बारण सत्वे 1927 मसीह मैट्रिकुलेसन परीक्षा पर घरे आसी रही से समय 72 वर्ष बयस बापांकर परलोक हैला। 10-12 दिन शय्याशायी थिले। ग्रहणी झाड़ा राति दिन पाखरे बसी रही सेवा शुश्रूषा कली। डाक्तर डाकिबाकू अनुरोध कली। बारंबार बारण कले। सबुथर कपाल हाथ मारी कहती जहा करे साई ताहा कहारी हाथ रे नाही। वैद्यंक ठारू औषध आनिली खाइले नाही। सत्यवादी स्कूल रे रोगी सेवा करिबा तालीम पाइथिली ताहा ही कार्य रे लगाइली। घन घन बिछणा चादर मैला हो जाउथाए। पाखरे आउटी बिछणा करी तांको सेठाकू उठाई आणे। मैला बिछणा सफा कर दिए। क्षीण शरीर काख पाखरे ओ अंटारे हाथ दे उठाई आनिबाकू असुविधा हुए नाही। दिन जाक तो पाखरे बसी रहे। राति तमाम मध्य जगिबाकू पड़े। बो कि भाईना राति रे समय समय रे मते उठाई दे पाखरे बसंती। एणे मो आखी को निद हुए नाही। तेणे बापांकर टिके निद भांगी गले आग खोजंती मते। शेष 3 दिन अचैतन्य अवस्था रे पड़ी रहिले। जेतेबेले टिके चेतना आसे अति आदर रे मो मुह पिठी रे हाथ बुलाई आनंती। स्नेहपूर्ण चक्षुरे चाही रहंती। वर्तमान मध्य सेही वर्णना को रूप देला बेले से स्नेहपूर्ण ढळ ढळ मुह आखि आगे नाचिगला भली जना पड़ुछि। जदि चित्रकर होइथांती तेबे तार गोटे अपरूप छवि आंकी दे पारंती। एतिक बेले बहु कथा मने पड़ुछि। बापांकर देहत्यागर 5 वर्ष पर माँ छौंड होइथिली। सेतबेलकु दत्त प्रेस रे चाकरी कले। दुई तीन मसरे थे गाँ को जाए, दुई तीन दिन मात्र रही कार्यक्षेत्र को फेरी आसे। मनरे खेले शीघ्र नगले प्रेस कम असुविधा हो। मासक आगर घर को फेरी थाए, तथापि केजाणी कहीं घर को जावाक मन है। पाठ्यपुस्तक छापा चली थाए, कामर भिड़ मालिक मना करूता। दिनक पर चली आसबि कही दुईटा बेलर बस धरली। पांचटा बेले घरे पहुँचली। प्रथमे आखि पड़ा बो उपर, से दुआरे शोची। शुणिली खरा बेले बोधहुए मु जो समय बस चढ़ुली बाड़ी भितर पड़गला आठी पारा ना। भाईना टेकी आनी दुआरे शोई देहरे हाथ मारी देखली ताती बहुत बेसी 103 डिग्री पर्यंत जर। जंत्रणारे छटपट हो, मुंडरे पानी पटीदेली, पाखरे बसी गोड़ हाथ घसीदेली। ताती टिके कमी जबार बोहू मान को डाकी बरात देला, पुओ को खाइबाकू दियो। टिके आश्वस्त हेली। थरक थर जिद करिबारु सेई सज्जा पाखरे बसी खाइली। राति को संज्ञाहीन हो गला। डाक्तर आसी औषध व्यवस्था कले, मात्र फल विशेष किछि हला नहीं। दिनक परे टिके प्रकृतिस्थ हला। आखि पिटाई चाहिला, देखिला मु पाखरे बसी पिठी आउंसी देउछि। हाथ हलाई पाखकु डाकिला, मुह पाखकु घुंची आसिली। मुंडरे हाथ बुला बुला कांदी पकाइला। खने खने कहला, मो धन को किया आनिलाटी। राति को बेस सुस्त बोध कला। डाक्तर आश्वासना देले औषध काटू करिछि, आउ अंतत आशंका नाही। परदिन सकाळे टिके प्रफुल्ल देखागला। मो खाइबा विषय में भाउज मानू नाना प्रकार बरात कला। मन कली डाक्तर आश्वासना बाणी सत हेब। दिनक कही आसी 3 दिन हो गला। बो को अनुमति मागिली, आज कटक जाऊँगी, 10-15 दिन पर पुणी आसबि। आउ थे मो पीठे हाथ बुलाई खने खने कहला, बाबाटा परा आसीचु, जितेबाला आउ 2 दिन रही जा। अस्पष्ट स्वर गाइला, आरे बाबू आरे बाबू श्याम घन तू गले मधुभुवन, कहा मुख अनाई बंचीबी। से स्नेहपूर्ण आदेश भांगी पारे ना। पाखरे बसी रही बिछणार मलमूत्र त्याग करे, संगे संगे ताहा सफा करी बिछणा और लुगा बदलाई दिए। राति को अवस्था पुणी खराब है। पाहंता समय को कहला, मत दुआर को नहीं जा, घर भितर आ सुख लगुना। दुआरे बिछणा कर टेकी आनी शुआईदेली। थरे आखि मेली चाहिला, बड़ा स्नेहभरा अर्थात करुणा से चाहणी। हाथ उठाइबा को चेष्टा कला, उठाई पारला नहीं। जानीपारी मो हाथ को धरी टेकी देबा को चेष्टा कली। मो हाथ को मुठाई धरिछि, आखि बुझी होइगला, सब शेष। एबे मध्य मोर दृढ़ विश्वास, मो जीवन काल मध्यरे सबु कार्य एपरिकी एही कथा गुड़िक वर्णना कला बेले पितामातांकर सेही अंतिम आशीर्वाद ही ता पछरे प्रेरणा देउछि। आपद विपद दुख सुख रोग जंत्रणा सबु समय मते सांत्वना देउछि, देहरे बल मनरे शक्ति देउछि। बहु से जुगरे अक्षर मोड़ाई नथिबा मफसली महिला, किंतु तार स्मरण शक्ति अति प्रखर थिला। घरे तो प्राय प्रत्यह कौनसी ना कौनसी पुराण पाठ हुए, से सबुदिन आग्रह रे सुने। बरं तारी बराबर ही भाईना पुराण पाठ करती। थरे मात्र सुनी से सुंदर भाव में बुझी जाए। अनेक समय अन्यान्य श्रोता भाईना बापा कके इत्यादि बुझी पारंती नहीं। से संपर्क रे आलोचना युक्तितर्क चले, शेषे बौर कथा ही ठीक हुए। 1922 मसीहा अलकाश्रम आखपाख केतोटी ग्राम में भीषण हईजा व्यापीगला। सुदर्शन प्रहराज मोर सुदुरिया नाना साइकेल रे गाँ गाँ बुली रोगी सेवार लगिगले। मुँर बड़ भक्त, घर घर बुली रोगी अवस्था देखू, डाक्तरखानु औषध नहीं खावाक दे, गुरुतर रोगी मानू डाक्तरखाना को आणवार व्यवस्था करूँ, सानिटारी इंस्पेक्टर को धरी कूआ पोखरी विशोधन कराऊ। अनेक समय सागुपा या संगरे नहीं था। गरीब मानकर ताहा पथी हुए। आश्रमरू सकाळु बाहरी गले दिने दिने फेरिबाकू राति बेसी हो जाए, किंतु श्रीजुक्त गोपबंधु चौधुरी कड़ा तागिद थाए संध्या पूर्वर फेरिब। आश्रम भितरकू जीवा पूर्वर गोड़ हाथ फिनाइल पानी रे धोइब, गरम पानी रे गाधोइब। सुदर्शन प्रहराज जने बलिष्ठ कर्मठ और पर दुख कातर व्यक्ति। कामरे लागी पड़िले भोक शोष भूली जाती। शीत वर्षा जून मासर टाण खरा तांकू कामरे बाधा दे पारे नाही। एभली गुरु पाखरे थिले शिष्य को त्राही मिलवा संभव नुहे, तेणु निरल स्वभाव खटिबा पड़ता है। से मनर दुख न थाए, बरं आनंद मिलता है। सत्यवादी स्कूल रे तो रोगीसेवा पाठर गोटे अंग थिला। छोट छोट पिला मानकर देह काछुरी पूरी जाए। सकाळे निम्बपत्र सीझा गरम पानी रे आचार्य महाशय निजे ताहा धोई सफा कर दियंती। कष्ट हेउथिले मध्य तांको आगरे मुह विकृत करबाकू पिला मानकू लाज लागे। आचार्य महाशय एही सब कथा कही पिलांकर मन को सरस कर दियंती जे काछु धुआ कष्ट से जानी पारे नहीं। पाली अनुसार जणे लेखाएं पिला प्रतिदिन रोगी सेवा करती। जार पाली ताहार काम होउछि सकाळे गोटे छोट ग्लास रे किछि किछि निम छेली बा चिरेइता सीझा पानी प्रति पिला को देव जेते बड़ अरुचिकर होइथिले मध्य काहारी न खाइबा को साध्य नाही। रोगी सेवक आचार्य महाशय को कहीदेव जे किंतु जे समस्त को खुआए से दिन तार भारी आनंद से निजे खाए ना ता कथा आचार्य महाशय को कहवा कहीं ना। छात्रावासर कौन पिला ज्वर बा अन्य किसी बेमार पड़े ता पाखरे राति दिन बसी रहा पड़े। डाक्तखानु औषध आनी ठीक समय खुआवा निर्दिष्ट बेलारे देहर उत्ताप मापी चार्ट्रे पूरण करवा दुग्ध हर बार्ली सागु पसारण पत्र संग्रह कर आनी पथि कराइबा तार दायित्व जार जो दिन पाड़ी से दिन से निष्ठार सहित यह करें। एपरिक रोगीर मुंड गोड़ चिपिदेवा झाड़ा परिसरा बिछणार होइगले ताहा सफा करने को से तिले हेले कुंठाबोध कर नथाय। पाठ पढ़ा संगे संगे पिला एही सेवा कार्य अभ्यस्त हो जाए। अन्यान्य स्कूल ठारू सत्यवादी स्कूल जे विशेषत्व थिला एही रोगी सेवा से सम्बन्ध अन्यतम। वर्षके थरे रथयात्रा समय पूरी जाई यात्रींकर सेवा करिवार दायित्व सत्यवादी स्कूल पिलामानंक ऊपर पड़ी थाए। लक्ष लक्ष यात्री समागम हेतु से समय प्रथमे पुरी रे हैजा देखा जाए और क्रमे अन्यत्र व्यापी जाए। यात्री मानकु सहाय्य करिबा और रोगी मानकर सेवा करिबा पई जिला मजिस्ट्रेट निमंत्रण रे स्कूल बहु संख्यक छात्र स्वेच्छासेवक होई जाई थांती। सेमानकर रहिबा और खाद्यपेयर सुबंदोबस्त सरकार पक्षरू करा जाई थाए। जने डाक्टर मध्य सेमानक पई खंजा जाई थांती। लेखक को केवल दुईटी रथयात्रा रे स्वेच्छासेवक हेबार सुयोग मिलिथिला। श्रोता बंधु यही विषयटी आपंकु केमिति लगिला कमेंट करी निश्चित जणाइबे। आपण जदि श्रुति साहित्य रे नुआ तेबे एहाकू सब्सक्राइब करबाकू भूलिबे नाही। बंधु मानक मध्य रे शेयर करंतु। अधिकरू अधिक ओडिया साहित्यर विषय रचना गल्प कविता इत्यादि सुनिबार सुयोग नियंतु। रहिलु नमस्कार।